एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमी क्रिएटिविटी। दिस इज वर्षा। मैं अपने इस चैनल पर डीआईवाईज एंड क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोज आपसे शेयर करती हूँ। मैंने अपने इस चैनल पर पिस्ता सेल का एक डीआईवाई शेयर किया था, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो उसी को देखते हुए आज मैं फिर से आपके लिए पिस्ता सेल का एक डीआईवाई लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का डीआईवाई बनाना हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं अपने इस फूड कंटेनर को एक न्यू लुक में कन्वर्ट करने वाली हूँ, यानी कि एक न्यू स्टोरेज बॉक्स के रूप में कन्वर्ट करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इसके लीड के ऊपर जूट रोप को अप्लाई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जूट रोप को ग्लू गन के हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो फेवी बॉन्ड का भी यूज कर सकते हैं। अब इस बॉक्स के ऊपर की साइड पर हम एक लेस को अप्लाई करेंगे। यहाँ मैं लेस को अप्लाई करने के लिए भी ग्लू गन का यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पर फेवी बॉन्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने बॉक्स के चारों तरफ सेम यही फ्लावर का पैटर्न पिस्ता सेल से बना लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बीट्स की जगह पर कस्टर्ड एप्पल के जो सीड होते हैं उनको यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पर किसी तरह के बीट्स या साबूदाना को लगाकर भी ब्लैक कलर से कलर कर सकते हैं। तो हमारे लीड का डेकोरेशन भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए, हमने अपने घर में पड़े हुए वेस्ट फूड कंटेनर को कितना खूबसूरत सा ऑर्गेनाइजर के रूप में कन्वर्ट कर लिया है। आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। मैं इसमें मैंने जो डीआईवाई कोस्टर बनाए थे उन्हें स्टोर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, तो आप भी इसी तरह थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाकर अपने घर में पड़े हुए वेस्ट सामान को किसी भी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को आज का ये DIY आइडिया पसंद आया होगा।
अगर आप सभी को आज का ये DIY पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे इस चैनल पर आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।